मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत जताई। उन्होंने फिल्मी अभिनेता आमिर खान पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण के कठोर कदम उठाए जाएं। जनसंख्या असंतुलित करने में हीरो आमिर खान जैसे लोगों का हाथ है। उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता अपने दो बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ कहां भटकेगी उसकी चिंता नहीं, लेकिन दादा आमिर तीसरी की खोज में जुट गए हैं। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा है कि बहुत ही स्पष्ट है कि आखिरकार हमें एक न एक दिन तो विचार करना पड़ेगा। मैंने कई बार देखा तो एक इंच की भूमि भारत की बढ़ी नहीं है और आबादी 140 करोड़ तक पहुंच गई है। ना तो शुभकामनाएं बनती है ना बधाई बनती है। अगर पीछे पलट कर देखें तो डिवाइडेशन हुआ था भारत का, उसमें भूमि ज्यादा गई थी। पाकिस्तान में जनसंख्या कम, लेकिन उन्होंने जो धक्का देकर लौटा दिए उसके बदले बेशर्मों ने जमीन नहीं लौटाई। पर यह शर्मदार दुनिया है और इसमें पाकिस्तानियों की कितनी जगह है, इस पर कितनी बहस करेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, अभी तो लोगों का हीरो आमिर खान है, वहीं उनकी पहली पत्नी रीना दत्त अपने दो बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ कहां भटकेंगी उसकी चिंता नहीं है, लेकिन दादा आमिर तीसरी की खोज में जुट गए हैं। यह भारत का संदेश है दुनिया को। यह जो दुनिया कहती थी कि अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज्यादा ठीक है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।